अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नबीहा कादरी, NRQ24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। गल्फ़ के रहने वाले अबू फैसल ने हैदराबाद की आवाम से अपील की है कि हैदराबाद के MP कैंडिडेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी से भारी अक्सरियत से जिताए। इसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। ये मेरा छोटा सा मैसेज है मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ख़ासकर आप लोगों से गुजारिश है मेरी। 11 अप्रैल को, पता है आप लोगों को, हमारी जो इज़्ज़तों की, हमारी आबरू की, हमारी शरीयत की, हमारे इस्लाम की जो बंदा हिफाजत करता है, जिसके लिए लड़ता है, हम मजलूमों के लिए, नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए इलेक्शन का दिन है, वोटिंग का दिन है। ये गलत फहमी में आप लोग बराए मेहरबानी मत रहिए कि हम वोट दे या ना दे, कैसे भी जीत जाते हैं बैरिस्टर अवैसी साहब, बिल्कुल जीतते हैं, क्योंकि उनके साथ वो पाके परवरदिगार और रब्बिल इज़्ज़त है, और हर मुसलमानों की दुआएं उनके साथ है, दलितों की दुआएं उनके साथ है, हर मज़लूम की दुआ उनके साथ है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता कि हम नमाज पढ़ के सबसे पहले कतार में ठहर के, लाइनों में ठहर के, हर घर का हर मेंबर बड़ी उम्र के बुज़ुर्गों को पहले ले जाइए, ठंडे वक्त पे, ठंडे टाइम पे ले जाकर पहले वो लोगों से वोट करवाइए, क्योंकि हमको गफलत बरतना नहीं है। हम चाहते हैं एक सबक सिखाना चाहिए इन फिरखा परस्त ताकतों को, इन गंदी जहनीत वालों को। हमको इतनी मेजॉरिटी से और इतनी अक्सरियत से जिताना है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, जो हिंदुस्तान की तारीख में एक सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा, ताकि ये हमारा गुरूर है, हमारी शान है, हम मुसलमानों की इज्जत है, ये हम मुसलमानों की इज्जत है। इस बात को मान के चलो, ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्ली का और शेर का कोई मुकाबला नहीं है हैदराबाद में, बिल्लियों का और शेर का कोई मुकाबला नहीं होता। शेर शेर है, बिल्लियां बिल्लियां रहते, चाहे एक रहो चाहे 10 रहो, जब शेर गुजरता है तो मैदान साफ हो जाता, इसमें कोई शक नहीं है। तो बैरिस्टर अवैसी एक शेर है, बब्बर शेर, लेकिन हमको गफलत में नहीं रहना है। हमको हर कोई वोट डालना है बाहर निकल के, हर हाल में। हर मुसलमान का फरीजा है ये, हर हैदराबादी का फरीजा है ये, क्योंकि वो हमारी इस्लाम, हमारी शरीयत, जो हमारे ऊपर जुल्म होते हैं वो बंदा धाड़ता है, पार्लियामेंट में धज्जियां उड़ा के रखता, जिसका नाम बैरिस्टर नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, ये अबू फैसल की दरख्वास्त है मेरी माँ और बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे दोस्त अहबाब से। ना नानी माँ छूटना, ना फुप्पू जान छूटना, ना दादी माँ छूटना, ना खाला जान छूटना, हर कोई वोट डालना, सिर्फ एक ही इम्तियाजी निशान है, क्या है? पतंग पतंग पतंग, हर जगह खाली ये रहना, जहां उठाओ सर नजर आना खाली पतंग ही पतंग। दूसरी बात, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और दो कैंडिडेट ठहरे हैं MP के लिए, बिहार के अंदर अमीनुल इस्लाम एक बहुत बड़ा रहबर है, बहुत अच्छा लीडर है, एक सेकुलर जहनियत रखने वाला इंसान है, सियासत की काफी समझ है बंदे के पास, उस बंदे को भी कामयाब करिए, भारी से भारी अक्सरियत से उसको मुंतखिब कीजिए पार्लियामेंट में, ताकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का हाथ मजबूत हो सके। तीसरा कैंडिडेट है हमारा औरंगाबाद, जहां से साबिक MLA इम्तियाज जलील साहब ठहरे हैं, उनको भी कामयाब करिए। एक से भले तीन जब हो जाएंगे तो खाली पार्लियामेंट में खाली गूंज मियां भाइयों की रहेंगी, कलमा पढ़ने वाले तीन रहेंगे, दूसरे है भाई मुसलमाना कलमा पढ़ने वाले, पढ़ते नहीं पढ़ते किसको मालूम है। अगरचे वो लोग साफ दिली से कलमा पढ़ते तो हम मुसलमानों की ये हालत नहीं होती थी कभी भी,
तो वो अपने जमीरों का सौदा कर चुके हैं, मेरे को उसमें पढ़ना नहीं है, मेरे को उसमें पढ़ना नहीं है। आप लोगों से दरखास्त है, आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है मेरी, जितना हो सकता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, और उस शेर का, बब्बर शेर का मुकाबला कोई बिल्लियां नहीं कर सकते, ना कोई बिल्लियों की औकात है सामने ठहरने की। वो बकवे बहुत चलते, बोलने बहुत बोलते, बोलिया है, पैसा लगता है क्या जबान से बोलने के लिए, इसलिए बोलते रहते, उस पर तवज्जो मत दो। मुत्तहिद और मुनज्जम होकर सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को जहां पे तीनों ठहरे उनको कामयाब करो, उसके बाद कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस को वोट डालो, पूरे एक अमीनुल इस्लाम को छोड़ के पूरे कांग्रेस को वोट डालो, हम साथ है उसके उस फैसले के। लेकिन जहां तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है उनको भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। ये आप लोगों की अपनी जमात है, ये आपकी अपनी जमात है, ये आपकी पहचान है, ये आपका गुरूर है, ये आपकी शान है, ये आपकी शान है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, ताकि वहां पे जब हमारा शेर खाली शेरवानी की गुंडी लगाया तो फुस हो जा रहा लोगों की, वैसा रहना, वैसी अक्सरियत से कामयाब करिए। जज़ाकअल्लाह खैर, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी के साथ मैं सैयदा नबीहा खादरी एन आर क्यू 24 न्यूज़ से इसी तरह हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।